आज जिक्र करेंगे राग मारवा। मारवा शाम का राग है, बहुत कम गाया बजाया जाता है। मेरे ख्याल लोग कतराते हैं इसे गाने बजाने से, अरे छोड़ो कोई और राग सुन लो। इसमें बड़ा सीरियस राग है और एक ध्यान, एक किस्म का, सिर्फ एक इमोशन को पोर्ट्रे किया जाता है। दूसरी चीज़ तकलीफ की यह है कि ये पूरिया से और सोहनी से बिल्कुल मिली हुई है, एक ही सुर है। अब इसको बचा के पूरा घंटे डेढ़ घंटे का अगर आपने प्रोग्राम किया तो इन दोनों रागों से बचाइए। इस वजह से लोग इससे दूर चले जाते हैं कभी, मगर बेहद खूबसूरत और बहुत ही शांत गंभीर किस्म का राग, बड़े अच्छे सुर इसमें, बड़े अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें बनाई गई हैं, बड़े आर्टिस्टों ने बहुत अच्छा अच्छा गाया बजाया है। देखिए अभी मैं आपको सुना रहा था कि मारवा पूरिया से और सोहनी के कितने नज़दीक है, भाई एक ही सुर हैं। पंडित मणिप्रसाद ने क्या अच्छी तरीके से, क्या समझदारी से आपको वोकली समझाया, दिखाया है कि ये राग एक दूसरे से किस तरह बचते हैं। आइए पंडित जी का ये गाया हुआ ये पीस हम लोग सुने। राग मारवा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। राग मारवा बड़ा ही मशहूर और बड़ा ही खूबसूरत राग है और थोड़ा बड़े यानी रागों में इसका जिक्र होता है। बड़ा राग है क्योंकि इसके साथ में पूरिया और सोहनी दोनों राग इसके साथ में मिले हुए हैं, एक ही सुर हैं सबके। अब उसको अलग करना ही एक तालीम से ताल्लुक रखता है। तो जिन्हें तालीम है वो मारवा पूरिया सोनी सबको अलग करते हैं, हर यानी मंजिल पे, अलाप में, बढ़त में, तान में, छूट में, उपज में, हर एक जगह मारवे की शक्ल रहती है। पूरिया गाते हैं तो पूरिया की शक्ल रहती है और सोनी गाते हैं तो सोनी की। तो ये मैंने आपको मारवे का एक अंदाज बताया। वो ये एक मारवे की शक्ल बनी। अब इसके साथ में पूरिया की शक्ल, क्योंकि सुर तो एक ही है, ये एक पूरिया का एक रंग रहा और उसको बढ़ सकते हैं। ऐसे ही सोहनी वही सुर हैं और उसका बदरुबों ने बड़ा अच्छे अंदाज से रखा है, जैसे पहले के काफ़ी अच्छे उस्ताद वही खान साहब किराने के बहुत अच्छा मारवा गाते थे और भी बहुत राग अच्छे गाते थे, मगर मारवा और वो दरबारी वगैरह इस अपना किस्म का राग बड़े ही सुंदर गाए उन्होंने। आमिर खान साहब बहुत अच्छा मारवा गाए। तो ये एक पुराने
पुराने ज़माने के पुराने उस्तादों के बहुत अच्छे राग गाए हुए हैं। अब मैं आपको सोहनी सुनाता हूँ, उसकी यानी शक्ल जो है दिखा रहा हूँ। तो ये सोहनी का रूप हुआ जो उत्तरांग की तरफ उसकी अदायगी जरा फर्क हर एक राग की पूरी मालवा सुन। ये मैंने आपको अलग, और ये जो है बुजुर्ग लोगों ने रखा है और जिन्हें तालीम है जिन्हें शिक्षा है वो लोग आज भी उस चीज़ को रख सकते हैं और वो रखते हैं। मैं अब आपके सामने मालवा सुना रहा हूँ। Bye.
वोकली ये राग तब भी ज़्यादा गाया जाता है क्योंकि ज़रा स्कोप वोकल में ज़्यादा है, मगर यहाँ पर्दे ज़रा दूर दूर होते हैं, हाथ अलग अलग उंगली लगानी पड़ती हैं, इसलिए लोग कम बजाते हैं। शाहिद परवेज़ साहब हैं, उनके सितार की तारीफ़ करना मैं ज़रूरी नहीं समझता। कोई भी सितार के बारे में जानता हो हिंदुस्तान में उनको ज़रूर जानता है, मेरे भाई हैं। उनको रिक्वेस्ट किया कि आप मारवाई के शकल पूरिया से सोनी से कैसे बचा के हमें सुनाते हैं, ये हमें सुनाएं। उस्ताद शाहिद परवेज।
आपने सुना मारवा में किस तरह अलग अलग किस्म के वोकल और इंस्ट्रूमेंटल चीज़ें पीसेस हमने आपको सुनाई हैं। अब एक रूह की बात हो जाए, अभी तक दिमाग की बात चल रही थी कि कैसे हम लोग दिमाग लगा के इसको इस राग से उस राग से इस राग से उस राग से बचा के रखते हैं। अब हम लोग रूह पे पहुंच जाएं कि इंसान अपने जिगर से, अपने दिल से, अपने तबीयत से इंसान गा रहा है और वो अपने फीलिंग्स आप तक पहुंचा रहे हैं। राजकुमार रिजवी साहब हैं, बेहद अच्छा गाते हैं, उनकी गाई हुई एक मारवा की चीज़ आपको सुनाते हैं। जब से उसने शहर को छोड़ा जब से उसने शहर को छोड़ा जब से उसने शहर को छोड़ा हर रास्ता सुनसान हुआ जब से उसने शहर को छोड़ा हर रास्ता सुनसान हुआ अपना क्या है सारे शहर का एक जैसा नुकसान हुआ जब से उसने शहर को छोड़ा जब से उसने शहर को छोड़ा जब से
उसने शहर को छोड़ा, हर रास्ता सुनसान हुआ, हर रास्ता सुनसान हुआ। सहरा की मुजोर हवाएं औरों से मंसूब हुई, सहरा की से मंसूब हुई। मुफ्त में हम आवारा थे, मुफ्त में हम आवारा थे, मुफ्त में हम आवारा थे, मुफ्त में घर वीरान हुआ, जब से उसने शहर को छोड़ा, हर रास्ता सुनसान हुआ, अपना क्या है सारे शहर का, एक जैसा नुकसान हुआ, जब से उसने शहर को छोड़ा। जीवन के किसी भी मोड़ पर रुककर देखिए, आपको संगीत तो सुनाई देगा ही। संगीत चाहे आज का हो या आने वाले कल का, पैदा गुजरे कल की कोक से ही हुआ है। हमारा ये कार्यक्रम मौसीकी एक खोज इसी सोच पर आधारित है। फिल्मी गीत हो, ठुमरी हो, वादन हो या शास्त्रीय गायन, सबकी बुनियाद राग है। इन्हीं रागों को संगीत के अलग अलग पहलुओं से समझाने का सुरमई आईना है मौसी की एक खोज।